नाउ व्हाट सत्य, अब किस चीज का टाइम है? 8:20 हो चुके हैं और हर काम रिचा टाइम टू टाइम होना चाहिए। क्या हो गया सत्या, तुम सत्या ही हो ना? मैं तेजा हूँ। तुम तेजा? मैं तेजा हूँ क्योंकि मेरा नाम भी तेजा है। उठा ले रे बाबा, मेरे को कोई उठा ले। मैं तो हमेशा से इसी मोड में रहती थी, अब मैंने हमारी रिचा को भी कन्वर्ट कर लिया है पूरी तरह से कि हमेशा फिल्मी मोड में ही रहे, है ना, सोते जागते फिल्में। और आज कैसे हम इस मोड में ना रहे, क्योंकि आखिर जैसे हमने आपको आज की हिस्ट्री में बताया था, आज है हमारे फेवरेट एक्टर परेश रावल जी का बर्थडे। सही बात है, और वो इतने वर्सेटाइल एक्टर है जिसके बारे में मुझे लगता है हम जितनी बातें करें वो कम है। उनकी किसी भी मूवी को देख लो, चाहे अंदाज अपना अपना या जुदाई, हाँ जुदाई में वो क्वेश्चन मार्क, या नायक की बात करें या फिर हम बात करें टेबल नंबर 21 की या तमन्ना, क्या क्या कमाल के परफॉर्मेंसेस परेश रावल जी ने दिए हैं, मतलब एक से बढ़कर एक। एंड वी जस्ट कैन नॉट थैंक परेश रावल जी इनफ फॉर गिविंग अस सो मच टू टू क्या बोलूं मैं अब, मतलब उसको एक्सपीरियंस करना ही अपने आप में मुझे लगता है कि हम बहुत ही खुशकिस्मत है परेश रावल जी। थैंक यू सो मच, और आपको हम सब की ओर से हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे। परेश रावल एक ऐसे रंगमंच और फिल्म कलाकार जिन्होंने जो भी रोल निभाया, फिर चाहे थिएटर प्ले हो या मूवी हो, उन्होंने दर्शकों और क्रिटिक्स को खूब इंप्रेस किया। मैं तो तेरे को हराम ही समझता था, तू तो राम निकला रे, देव मानुष निकला रे, तू बापू राव के लिए अपना किडनी बेचेगा, अपना आंख बेचेगा, है देवा, देव दे, देव मानुष निकला रे तू देव। मैं अपनी किडनी की बात नहीं कर रहा हूँ, आपके किडनी और आंखों की बात कर रहा हूँ। महाराष्ट्र में 30 मई 1955 में जन्मे परेश रावल को काफी छोटी उम्र में ही थिएटर ने अपनी ओर आकर्षित किया था, और समय गुजरते रंगमंच के प्रति इनका प्रेम और गहरा होता गया। सबके जागे हुए तारों को भी नींद आने लगी है, आपके आने की एक आस थी अब। और जब इन्होंने फिल्मों में एंट्री ली तो पहले छोटे मोटे कैरेक्टर रोल, फिर दमदार विलेन की भूमिकाएं। मे आई कम इन? अब ये मत पूछना कि गांधी जी कौन थे, नेहरू जी क्या करते थे, पॉलिटिक्स बिल्कुल नहीं जानता क्या? हम इस देश के मंत्री हैं। लेकिन फिर मैं चलाऊंगा। फिर तरह तरह के शिट्स, विशेषकर कॉमिक रोल निभाकर लोगों के दिलों में अपने लिए एक खास जगह बनाई। चल चल नीचे उतर, गोदी में बैठ, नीचे उतर गोदी वाले। अब एक इडियट है, पता भी नहीं चले और पीछे बैठे। नाम चाइना गेट, अंदाज अपना अपना, मालामाल वीकली, ऐसी कई फिल्मों में इनके निभाए कैरेक्टर को कौन भूल सकता है। ये देखो कैसे बत्तीसी दिखा रहा है ससुरा, भगवान कृष्ण की तरह मुस्कुरा रहा है, जैसे गोपियां पाने में हो और चोलियां इसके हाथ में। फिल्म हेरा फेरी के बाबू भाई किरदार को इन्होंने एक तरह से अमर कर दिया। ए, शाने। शाने नहीं रे बाबा, आपते बाबूराव गणपतराव आपते। कुछ ऐसे भी सीरियस रोल इन्होंने निभाए जिनको देखने के बाद इनकी एक्टिंग की ब्रॉडर रेंज का पता लग ही जाता है। पूछ लो, पॉलिटिक्स से गटर है बोलकर सब लोग भाग जाते हैं, लेकिन कोई भी इस गटर में उतरकर उसे साफ करने को तैयार नहीं है, और देश को बूढ़े भेड़ियों के हाथ में छोड़कर चले जाते हैं जिनके पास जीने के लिए जिंदगी भी नहीं बची है। सरदार पटेल का किरदार हो या फिर उड़ी फिल्म का ऑफिसर का रोल। सर्जिकल स्ट्राइक सर, मुझे कल तक ऐसे 4 करोड़ चाहिए। कल तक? सर ये प्रोटोटाइप है। जहां इन्होंने फिल्म में एक तरह से सेंट्रल किरदार निभाए, हमारी गैंगर हमको पता भी नहीं है, जो कि एक कैरेक्टर आर्टिस्ट के लिए कभी सोचा ही नहीं जा सकता था, जैसे कि फिल्म ओ माय गॉड। इतना समझ गया हूं कि साहब ये कह रहे हैं कि इस केस को इसी वक्त बंद कर दिया जाए। पद्मश्री से सम्मानित परेश रावल राजनीति में भी सक्रिय हैं,
साल 2014 से 2019 तक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी रहे। परेश रावल अभिनय, राजनीति के कार्यों के अलावा नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के चेयरमैन के रूप में भी अपना योगदान दे रहे हैं। ये गुलाब वाला तेरा नाम क्या है? Listen gentlemen. Listen gentlemen? ये साला कौन सा नाम है? समझ में नहीं आता इधर कचरा नहीं डालने का। I'm sorry. अबे sorry क्या? लड़की क्या भैया, तू किसी शेरनी से प्यार करता तो भी उससे मैं तेरी शादी करवा दूंगा। हाँ कौन है वो लड़की? है लेकिन बोलना। अनपरा गांव से है। करोड़ करोड़। अच्छा 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 करोड़, और वो भी चार। तेरा बाप यहाँ छोड़कर गया था कि तेरी माँ? परेश रावल का ग्राफ एज एन एक्टर हर रोल से दिन ब दिन निखरता जा रहा है। जरा देख लेना अंग्रेजी बराबर है कि नहीं। क्या है ये? मैंने लेटर में लिखा है कि हमारे बाजू में ना इंडिया का बहुत बड़ा गुंडा रहता है। ना दिखता।